हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज हमारे साथ है मोहम्मद तमीम फ्रॉम तमीम ब्लॉग्स एंड टॉक्स। सो ही इज अ यूट्यूबर। सो आज ये हमारे साथ जुड़ रहे हैं वर्ल्ड कॉइन को लेकर के। तो आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, वर्ल्ड कॉइन क्या है, किस तरीके से है। वैसे आपने देखा तो बहुत बार होगा, कभी मेट्रो में, कभी रोड साइड, कभी सर्विस लेन में, कभी मॉल्स में, कभी शॉप्स के बाहर वर्ल्ड कॉइन। जिन्होंने आपसे कहा होगा कि प्लीज आप लॉग इन कर लो, आईडी बना लो एंड आपके अकाउंट में स्पेशल करेंसी आएगी, देन यू कैन जस्ट कन्वर्ट इन टू अ एक्चुअल करेंसी आफ्टर अ पर्टिकुलर टाइम। या फिर कई बार आपको ये भी ऑफर किया गया होगा कि आप जब आईडी बनाएंगे तो आपको कुछ सामने से आपको गिफ्ट हैम्पर्स या कुछ गुडीज सामने से मिलेंगी। सो द क्वेश्चन इज, व्हाट इज दिस वर्ल्ड कॉइन? सो आज हमारे साथ यूट्यूबर तमीम हमें बताएंगे और ही विल जस्ट गिव द इनसाइट ऑफ इट। सो हाई तमीम। हेलो आकांक्षा, थैंक यू फॉर योर इंट्रोडक्शन। सो थैंक यू। बेसिकली द वर्ल्ड कॉइन ये है, मतलब कि आपने सुना होगा सैम ऑल्टमैन को। सैम ऑल्टमैन सीईओ है ओपन एआई के, जो कि चैट जीपीटी जिन्होंने फॉर्म किया था। और चैट जीपीटी आप लोग जैसे जानते हैं कि ये आगे के मतलब स्टेजेस में ह्यूमंस की जॉब्स ले लेगा। तो इस तरह से वो सैम ऑल्टमैन ने ये कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट ये हर जगह से पहले ही उन्होंने मतलब वो समझ लिया था, और उसके बाद उन्होंने इस चीज का क्रिएशन किया था वर्ल्ड कॉइन का। और वर्ल्ड कॉइन का बेसिक आइडिया तो यही है कि मतलब वो चाहते हैं कि सबकी एक यूनिक आइडेंटिटी हो वेब पे, या जो ऑनलाइन वेब होता है इस पे मतलब मल्टीपल आइडेंटिटीज होती हैं, बट कोई भी पर्सन अपनी आइडेंटिटी को रेप्लीकेट कर सकता है। एज यू नो कि हैकर्स बहुत ज्यादा मतलब आजकल हैं और साइबर क्राइम बहुत ज्यादा हो रहे हैं। सो सैम ऑल्टमैन का ये विजन था कि ऑनलाइन आप जो भी काम करें आपकी सिर्फ एक आइडेंटिटी हो और उसको कोई भी रेप्लिकेट ना कर सके। आप लोग ये भी जानते होंगे कि जैसे चैट जीपीटी या फिर कोई और भी चीजें होती हैं जिससे कि आपका कोई एक डीप फेक बना देता है, जैसे कि आपने ट्रम्प का देखा होगा या फिर टॉम क्रूज का देखा होगा। डीप फेक एक ऐसा सिस्टम है जिससे कि फेशियल पूरा वो चेंज हो जाता है और वो उस तरह से आयरिस भी वो लोग स्कैन करते हैं। बट आयरिस एक ऐसी चीज है जो कि रैंडम पीपल की रैंडम ही होती है, वो कभी भी सेम नहीं हो सकती। फेस स्कैन अगर होता आपके मोबाइल में या फिर किसी भी चीज में जिससे कि आपका कंप्यूटर या फोन अनलॉक होता है, सो उसमें ये सिक्योरिटी रहती है कि आयरिस स्कैन करके आपका फोन अनलॉक हो, तो वो सबसे ज्यादा सिक्योर उसी को माना जाता है। सो बेसिक आइडिया सैम ऑल्टमैन का जो था वर्ल्ड कॉइन के पीछे ये यही था कि वो एक एक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम बनाए जिसमें कि हर एक इंसान की एक आइडेंटिटी हो एक आयरिस स्कैन के फॉर्म में, ठीक है। और वो क्या करते हैं, ये आपको जैसे कि आपको मेट्रो या रोड साइड आपने जैसे बोला कि वो लोग आकर के आपको बोलते हैं कि आप इसमें साइन अप करा दीजिए, तो वो बेसिकली यही कराना चाहते हैं कि आपका जो है आयरिस स्कैन करके वो रजिस्टर कर देंगे आपको, और आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा वो वर्ल्ड कॉइन चेक करेगा कि आपका इससे पहले हो चुका है या नहीं। अगर वो नहीं, उसको डुप्लीकेसी उसको नहीं मिलेगी, तो वो आपका जो है वो रजिस्टर कर देगा और आपका एक ऑनलाइन आईडी बन जाएगी जिससे कि आप ट्रांजेक्शंस कर सकते हैं फोन पे की तरह, या फिर आप क्रिप्टो करेंसी खरीद सकते हैं। इसमें कई सारी चीजें हैं वो आगे बताऊंगा मैं, ठीक है। तो बेसिकली यही एक चीज है वर्ल्ड कॉइन, और इसका जो यूज है आप जैसे कि आपने बताया यूज, ये बहुत तरह के यूज है। और क्रिप्टो करेंसी जैसे कि इंडिया में बैन हो सकती है या नहीं हो सकती ये तो मुझे नहीं पता, बट ये बहुत सारे कामों के लिए ये यूज कर सकते हैं हम लोग। सो बेसिक इंट्रोडक्शन यही है वर्ल्ड कॉइन का। जैसे आपने क्रिप्टो करेंसी को यहाँ पे बताया, तो ये वर्ल्ड कॉइन हमारा क्रिप्टो करेंसी का पार्ट है जो एक यूनिक आइडेंटिटी प्रोवाइड करा रहा है हर एक यूजर को। राइट यहाँ तो इसका मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर यूजर एक से ज्यादा अकाउंट क्रिएट नहीं कर सकता है। नहीं कर सकता है, बिल्कुल लाइक भी जैसे कि मैं हूं, मैं 2 से 3 अकाउंट क्रिएट बिल्कुल भी यूज नहीं कर सकती। नहीं कर सकती, क्योंकि एक यूनिक आईडी एक पर्सन को दी जाती है। और एक और चीज मैं मिस आउट कर गया कि हर हफ्ते आप क्लेम कर सकते हो ग्रांट, और क्लेम करने के बाद आपको $1 हर वीक मिलता है, और वो आपके वर्ल्ड कॉइन के जो अकाउंट है उसमें वो एक्यूमुलेट होकर के जमा होता रहता है। बट आप उसको तब तक नहीं निकाल सकते जब तक एक अपडेट है वो ना आ जाए वर्ल्ड कॉइन में। सो मेरे साथ मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मैं जब नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी पे मतलब जा रहा था किसी दूसरे स्टेशन पे, हमको मतलब कि एक मेट्रो में एक वर्ल्ड कॉइन के एक वो ऑपरेटर थे, उन्होंने रीच आउट किया कि आप प्लीज अपने साइन अप करा दीजिए। तो हम मतलब गए वहां पे उनके साथ साइन अप कराने के लिए, तो उन्होंने बेसिकली एक ऑर्ब करके डिवाइस होता है
वो आयरिस को स्कैन करता है, ठीक है। तो जैसे कि डॉग्स या एनिमल्स या किसी भी अदर मतलब कि ह्यूमंस के अदर जो एनिमल्स हैं उनको वो स्कैन करके बता सकता है कि वो ह्यूमन नहीं है। सो मेरा वो उन्होंने आयरिस स्कैन किया। आयरिस स्कैन करने के बाद उन्होंने एक मतलब कि आईडी बनाई ऑनलाइन, और उसके बाद मुझे साइन अप किया इस पे वर्ल्ड कॉइन पे ऐप के थ्रू। उसके बाद उन्होंने बताया कि आप इसे हर हफ्ते क्लेम ग्रांट कर सकते हैं, जैसे कि $1 आपके वर्ल्ड कॉइन अकाउंट में आएगा, बट आप इसे तभी निकाल पाएंगे जब ये एक अपडेट है वो आ जाता है तब। सो उसके बाद से मेरे मतलब फोन में ये वर्ल्ड कॉइन का ऐप है, और मतलब हर हफ्ते हम क्लेम करते हैं ग्रांट, बट अभी तक मुझे ये नहीं मालूम है कि मतलब पैसे निकालते कैसे या ट्रांजेक्शन कैसे करते हैं। सो आपको अभी तक कितना डॉलर हो गया होगा अप्रोक्सीमेशन, मतलब जैसे आपने कहा आपको नहीं अभी पता कि देखिए, निकाल नहीं, हाँ आपने जैसे कहा कि अभी जैसे निकाल नहीं सकते कि हैं फिर। हाँ निकाल नहीं सकते हैं, जैसे कि मेरा ये होता है कि हर हफ्ते हम ग्रांट नहीं कर पाते क्योंकि बहुत सारी चीजें जैसे जॉब है या फिर ये है तो मिस आउट कर जाते हैं। सो मेरा अभी तक टोटल जो हुआ है $6 हुए हैं वर्ल्ड कॉइन अकाउंट में। और अभी जैसे कि मैंने एक यूट्यूब पे वीडियो देखा था, तो एक मतलब कि यूट्यूबर ने बताया था कि आप इसे $25 के बाद इसे आप अपने अकाउंट में निकाल सकते हैं, बट वो बहुत ही लंबा प्रोसेस है, वो निकालना थोड़ा सा बहुत मुश्किल है, बट आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। जैसे क्रिप्टो करेंसी खरीदना हो, बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना हो, ये सब आप चीज़ कर सकते हैं आराम से, जो $6 है उससे। तो ये लीगल है वैसे अभी तक इंडिया में? मतलब मैंने जैसे कि बहुत बार हाँ देखा है कि जी न्यूज़ में आते रहते हैं क्रिप्टो करेंसी बैन किया जाएगा। और जैसे एक एक और मेरा यहाँ पे क्वेश्चन था, जैसे आपने यूनिक आइडेंटिटी की बात करी, ठीक है, तो इसका जो डेटाबेस है वो कहीं ना कहीं क्रिएट हो रहा है, चाहे हमारे ChatGPT के ओनर के पास ही क्रिएट हो रहा है, तो उनके पास एक वी कैन जस्ट इमेजिन कि ChatGPT के पास जितना डेटा है वो कितना बड़ा डेटाबेस वहां पे हमें शेयर करते होंगे, राइट? सो यहाँ पे मेरा एक जैसे मेन क्वेश्चन ये है कि वो क्या सिक्योर है, कितना सिक्योर है? लाइक ये भी तो एक सबसे बड़ा थ्रेट है ना कि हमारे इंडियंस की इंफॉर्मेशन बाहर कंट्री में जा रही है। सो इसकी बात पे मैं आऊं तो सैम एटमैन का मैंने इंटरव्यू या फिर मतलब कुछ आर्टिकल्स पढ़े थे, तो उन्होंने ये बताया था कि ये बहुत ही सिक्योर सिस्टम है क्योंकि एज इस पे साइबर क्राइम नहीं हो सकता। हमारी एक ब्लॉकचेन, जैसे ब्लॉकचेन आपने सुना होगा, ब्लॉकचेन एक पूरा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जो कोई गवर्नमेंट या कोई भी ओन नहीं करता है, ये जैसे जिसका भी सिस्टम है वो ओन करता है। और जैसे डिसेंट्रलाइजेशन होता है कि आप अपना खुद मतलब ब्लॉकचेन में ऐड कर सकते हो, बट वो डिसेंट्रलाइज है, आप भी यूज कर सकते हो या फिर कोई और, जैसे कि तीन चार ओनर हैं कंपनी के तो सबके पास डिसेंट्रलाइज्ड पावर है, उस तरह से वो यूज करते हैं। बाकी बात रही सिक्योरिटी की, तो शुरू में उन्होंने बोला था कि सिक्योर है बहुत, बट ये 2019 में जैसे लॉन्च हुआ था नवंबर में, उसके बाद से ये थोड़ा सा मतलब अनसिक्योर होने लगा। बिकॉज मैं आपको बताऊं कि ये लोग जो हैं और ऑपरेटर्स जो कि आईरिस स्कैन करके वर्ल्ड आईडी बनाते हैं, इनको वर्ल्ड कॉइन ने मतलब डेलीगेट किया था पूरे अदर कंट्रीज में, जैसे कि ये जर्मनी और यूएस सैन फ्रांसिस्को के मतलब ये दोनों लोगों ने बनाया था, और ये उसके बाद हमारे इंडिया में भी आया था और भी काफी देशों में। लेकिन ये लोग जो पुअर कंट्रीज हैं उसमें जा करके ये और ऑपरेटर्स ये सबके आईरिस स्कैन करके उनको आईडी बनवाते थे और इनको रेफरल का बोनस मिलता था। तो उसमें ये लोग क्या करते थे, किसी को मतलब कुछ भी, जैसे कि मैंने सुना था कि एयरपोर्ट्स प्रोवाइड कर दिया या फिर जैसे आपने बताया कि किसी स्टेशन पे फ्रूटी प्रोवाइड कर दिया, तो वो एक इनका टैक्टिक था कि आप साइन अप कराइए और आपको ये गिफ्ट हैम्पर या गिफ्ट कुछ मिलेगा। बट इनका मेन पर्पज यही था कि आपको साइन अप सबसे ज्यादा कराने हैं जिससे कि उनको पैसे मिलते हैं वर्ल्ड कॉइन की तरफ से। सो उन्होंने 1 लाख से ज्यादा साइन अप्स करा चुके हैं और अभी के अकाउंट भी 1,50,000 के अराउंड हो चुका है। सो इंडिया में तो अभी ये है, अभी कोई ऐसा बैन नहीं हुआ, बट ये सिक्योर पूरी तरीके से नहीं है, सिक्योरिटी इसमें ज्यादातर नहीं है। तो आपका क्या कहना है इस पे कि जैसे आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस क्या आ रहा है? मतलब आपने कहा कि $6 मेरा आए हैं, तो हाँ छह हफ्ते से ही आपका अकाउंट है इस पे? नहीं, 6 हफ्ते से नहीं, जैसे मैंने कहा कि मैं कभी कोई मिस आउट कर गया था और तो मैंने क्लेम नहीं क्लेम किया था करना ग्रांट। पड़ता है? हाँ अच्छा, मतलब हर तो हफ्ते एक पर्टिकुलर टाइम पे मेरे क्लेम करना पड़ेगा हाँ जाके? हाँ अगर मैंने जैसे 2 महीने पहले इस ऐप को डाउनलोड किया और साइन अप किया, तो अब तक जैसे कि दो दो महीने में 4 4 वीक्स होते हैं, मतलब 8 वीक्स, तो 8 वीक्स के हिसाब से तो बहुत ज्यादा होना चाहिए था, बट जैसे कि मैंने कहा मिस आउट कर गए, तो अभी तक जब भी ग्रांट किए हैं तो $6 टोटल हुआ और बाकी के जो क्लेम थे वो एक्सपायर हो चुके हैं, ठीक है। क्यों? और
एक्सपायर इसलिए हो गए क्योंकि मतलब एक टाइम फ्रेम होता है ना, जैसे कि एक हफ्ते जैसे कि मैंने मंडे को क्लेम किया ग्रांट, ठीक है, उसके बाद फिर दूसरे हफ्ते में फिर से एक आता है कि आप क्लेम करो ग्रांट, बट हम दूसरे मंडे को मिस आउट कर गए तो वो क्लेम वो हो गया, एक्सपायर हो गया। अवॉइड हो फिर अगले गया। मंडे फिर एक और आता है, हाँ फिर अगले मंडे फिर एक आता है, फिर उसको आप क्लेम कर सकते हो। तो इस तरह से वो उसका सिस्टम वर्क करता ओके सो मतलब है। बेसिक मतलब ये है कि एक पर्टिकुलर बंदे को हर एक अगर एक पर्टिकुलर डे अगर वो चूज कर रहा है तो उस दिन उसे क्लेम करना ही करना है, वरना उसके पीछे का जितना भी हाँ रिवॉर्ड है इट विल गो ऑल वो वेस्ट। चला जाएगा। यस ओके सो यहाँ पे मतलब आपका एक्सपीरियंस ये रहा, तो आप हमारे ऑडियंस को क्या सलाह देंगे कि उन्हें वर्ल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? इट इज इट वेस्ट देखिए, ऑफ हाँ टाइम और वेस्ट ऑफ मनी, या थोड़ा सा और स्टडी करके करना हाँ चाहिए? क्योंकि लाइक जी एक एक सवाल यहाँ पे ये भी आता है ना कि है तो ये क्रिप्टो करेंसी, ठीक है, इलीगल राइट काम, जब इलीगल काम की बात आती है, आपने कहा हैकिंग होता है या बहुत सारी मूवीज आजकल हैकिंग पे आ रही है, तो लोग बहुत ज्यादा अवेयर भी हो रहे हैं साइबर सिक्योरिटी को लेकर के। इवन यू नो आई एम अ साइबर राइट सिक्योरिटी इंजीनियर, सो एवरीबडी इज नोस। सो यस यहाँ पे यस ये पॉइंट भी आते हैं कि इलीगल भी है, मतलब इलीगल कामों के लिए भी क्या ये यूज हो सकता है और किस तरीके से? कैन यू प्लीज हाईलाइट लाइक यस इसके बारे में यस अगर हम कुछ बात कर देखिए, सके। हाँ अगर देखिए जैसे कि वर्ल्ड कॉइन का एक सिस्टम होता है, ब्लॉकचेन मतलब कि एक वेब पे होता है, तो उस वेब को एक्सेस कर सकता है कोई भी अगर वो हैक करके उसमें अगर इंटर करता है तो। लेकिन वर्ल्ड कॉइन का ये क्लेम है कि हम जो भी डेटा लेते हैं यूजर्स का वो लॉक रहता है, उन्होंने ये क्लेम किया था, बट ये चीज कॉन्ट्रोवर्शियल है और उन्होंने सही से स्पेसिफाई नहीं किया। तो कुछ जर्नलिस्ट या कुछ लोग हैं यूएस के, उन्होंने ये चीज बोली है कि ये सिक्योर नहीं है पूरी तरीके से। और जो सैम अल्टमैन ने कहा है कि सबकी जो है, जो हम आईरिस स्कैन करते हैं वो डेटा सिक्योर रहता है और लॉक्ड रहता है, बट ऐसा नहीं है। अभी रिसेंटली कुछ आर्टिकल्स और कुछ मतलब यूट्यूबर्स ने बोला था कि ये सिक्योर नहीं है और इस पे कोई भी हैक कर सकता है और इसे डुप्लीकेट भी कर सकता है। बट अभी भी वो चैट जीपीटी की जो सीईओ हैं वो कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है और हम सबको एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम प्रोवाइड कराएंगे, और इसलिए वो पुअर कंट्रीज में जा रहे हैं और सबको साइन अप करा रहे हैं कि हर हफ्ते वो $1 ग्रांट कर पाए और उसके बाद वो अकुमुलेट करके वो उसे यूज कर पाए। और उनका ये कहना है कि हर एक बंदे के पास जो इस पूरी दुनिया में रहता है, हर एक बंदे के पास एक यूनिवर्सल बेसिक इनकम की एक वो होनी चाहिए, जैसे कि होता है राशन होता है ना, कि हर गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। सो इस तरह से सैम अल्टमैन ने कहा कि ये हर एक इंडिविजुअल को हम दे रहे हैं, मतलब कि इंडिया ही को नहीं, हर एक कंट्री को। सो उनका ये बेसिक आइडिया है और वो ये कहते हैं कि ये सिक्योर है पूरी तरीके से। बट एज मैं आपको एक चीज रिवील करना चाहता हूँ, ये यूएसए में यूज नहीं हो रहा है, सैन फ्रांसिस्को में इसका ओरिजिन हुआ था, बट मोस्टली जर्मनी से ही मतलब ज्यादा लोग ने इस चीज पे इन्वेस्ट किया था, बट इन्होंने बहुत सारे पैसे रेस कर लिए थे और इन्वेस्ट करवाए थे, मतलब 100 मिलियन के अराउंड इनकी कंपनी में इन्वेस्ट किया गया था क्योंकि वो लोग ट्रस्ट करते थे। तो मतलब कि ये पूरा मतलब ग्रे एरिया है, मतलब जैसे कि ग्रे एरिया आपको पता होगा कि ये ना ही मतलब कि बिल्कुल ज्यादा सिक्योर है ना ही बिल्कुल मतलब बेकार है, मतलब ये एक आप मिडिल कैटेगरी में आप ले सकते हो। सो अभी तो ये मतलब अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, तो अभी धीरे धीरे लोगों को मालूम चलेगा, लोग रिसर्च करेंगे, लोग जानेंगे इसके बारे में। सो मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था, जब मैंने साइन अप किया था तो मुझे पता ही नहीं था कि हुआ क्या, मतलब वो उन्होंने आईरिस स्कैन की ये किया बता दिया, लेकिन मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे थे कि ये मतलब है क्या। तो मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की उस टाइम से ही, लेकिन अब जाके थोड़ा बहुत क्लियर हुआ है कि ये एक्चुअल में है क्या। बट जैसे मैंने कहा कि अगर हैकिंग होनी होती तो 2 महीने के अंदर मेरे अकाउंट में भी कुछ ना कुछ हो जाता, बट ऐसा हुआ नहीं। मेरा वर्ल्ड आईडी जो है या वर्ल्ड कॉइन का जो ऐप है बिल्कुल सिक्योर है, उसमें कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मेरे इनसाइट से तो ये अभी तो मैं इसे सिक्योरली मतलब प्रूफ करूंगा, बाकी और लोगों का मुझे नहीं पता, बट मैंने आर्टिकल्स पढ़े हैं कि हाँ इसमें कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। नहीं सिक्योरिटी आपके एंड से है, लाइक कंपनी सिक्योर प्रोवाइड कर सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएगी इलीगल जी से। जी मेरा यहाँ पे एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है दिमाग में कि जो साइबर क्राइम होता है उसमें ना क्रिप्टो करेंसी के यस थ्रू रैंसम अमाउंट मांगते हैं, लाइक कोई भी है फिरौती की रकम, कुछ भी जैसे अमाउंट चाहिए होता या है, या
मेजरली वो जो ट्रांजेक्शन होता है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू होता है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी होता हमारी है वर्क करी है ब्लॉकचेन के ऊपर, ब्लॉकचेन जिसको हम इजीली रिवर्स इंजीनियरिंग के थ्रू ट्रैक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो क्रिप्टो करेंसी को ट्रैक करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, मुश्किल क्या कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। इसलिए इंडिया कर ही में नहीं भी सकता। बैन करा जा रहा है। सो क्या इसमें ऐसा कुछ है कि इलीगल एक्टिविटी के लिए इसको यूज किया जाए? मतलब कि अगर मैं जैसे अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन है, ठीक है, पर्टिकुलर पर्सन है, उसके मलिशियस माइंडसेट है, उसके दिमाग में चल रहा है कि वो भी एक अकाउंट क्रिएट कर सकता है अपनी आईरिस डिटेक्शन से, उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, उसने सर्च किया, अब वो उसको यूज कर रहा है अपने गलत इरादों को नाकाम कामयाब करने में, ठीक है। सो यहाँ पे या तो देखो दो चीजें हो सकती हैं, या तो एक ये होगा कि वो पर्सन अपना डेटा स्टोर है हमारा, तो हम इजीली उस काम के थ्रू उस डेटा को फेच कर सकते हैं, बट अगर वहां पे चीजें पता चल रही है फिर भी अगर कंपनी को वहां से अगर कुछ ऐसा ट्रैक मिल रहा है, तो ये एक नॉर्मल पर्सन के लिए भी तो मतलब एबनॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। अगर मैं कोई ट्रांजेक्शन अगर कर रही, अगर मैं $50 का भी ट्रांजेक्शन कर रही हूँ, सो इट वॉन्ट बी लाइक, मैं नहीं चाहूंगी कि किसी और को, थर्ड पर्सन को पता चले कि हाँ किसी मैंने $50 का ट्रांजेक्शन किया है या इस तरीके से। तो माइट बी इसका सोल्यूशन शायद ये हो सकता है कि लाइक यूज करने वाले शायद कर सकते हैं, है ना, लाइक अगर किसी को मलिशियस इंटेंशन कंप्लीट करनी देखिए, है। सो हाँ, ये चीज मैंने मतलब पहले भी सुनी थी और देखी भी थी यूट्यूब पे। तो इसका ये आंसर है कि पहले तो वर्ल्ड कॉइन को ऐसे बनाया गया है कि इसमें आप हर तरह की चीजें कर सकते हैं, लेकिन अभी जो इनका अपडेट है वो यही है कि आप बस इसे इंस्टॉल कीजिए, आप इसे क्लेम कीजिए ग्रांट। तो ये क्या होता है कि इनका जो डेटाबेस है उससे ये प्रोवाइड कराते हैं $1 हर हर वीक, ठीक है। लेकिन अभी जो बिटकॉइन का जो इसमें पार्ट है जिसमें बिटकॉइन में आप ट्रेडिंग कर सकते हो और पैसे अपने अकाउंट में ला सकते हो, वो पार्ट अभी एक्टिवेट नहीं हुआ है, चाहे क्रिप्टो करेंसी हो, कोई भी तरह की क्रिप्टो करेंसी हो, ठीक है। तो अभी जो यूजर्स हैं वो इसलिए सेफ हैं क्योंकि अभी जो भी अगर मैलिशियस एक्टिविटी करना चाहता है या फिर किसी भी यूजर्स के अकाउंट से पैसे निकालना चाहता है तो वो अभी नहीं कर सकता है, क्योंकि अभी जो यूजर है उसके अकाउंट में पैसे अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि अकाउंट में तभी आएंगे जब वर्ल्ड कॉइन जो है वो उनके अकाउंट में भेजेगा, ठीक है। तो अभी एज ऑफ नाउ वो लोग कोई भी ऐसा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनीज के जो भी वो हैं, वर्कर्स हैं, एम्प्लॉयज हैं, वो लोग इंश्योर रखते हैं कि उनका जो सिस्टम है, उनका जो सर्वर है वो सेफ हो। तो अभी तक तो जितने भी ऐसे कोई भी मतलब कि न्यूज या आर्टिकल्स नहीं आए हैं जिसमें किसी भी यूजर के साथ ऐसा हुआ हो फ्रॉड, क्योंकि इसमें अभी वर्ल्ड कॉइन में वो सेव होता जाता है पैसा और वो बाद में वो क्लेम कर सकते हैं ग्रांट, लेकिन वो एक और ऐप के थ्रू वो पैसे पैसे निकालते हैं। सो एक लंबा प्रोसेस है वो पैसे निकालने का। सो वो एक मैलिशियस एक्टिव मतलब कि जो भी फ्रॉड करना चाहता है वो नहीं कर सकता है, क्योंकि बहुत ही लेंथी प्रोसेस है ये, अभी तक तो इसीलिए फ्रॉड नहीं हुआ है किसी के साथ। तो इलीगल की बात मैं आप पे आऊं तो इंडिया में इलीगल एज ए इन अ सेंस ब्लॉकचेन का जो अलग सर्वर है वो गवर्नमेंट कंट्रोल नहीं करती, इस वजह से आपने कहा कि ये इलीगल है। सो अभी तो मतलब कि प्राइम मिनिस्टर या कोई भी किसी ने इस पे बात नहीं की है वर्ल्ड कॉइन पे। बाकी जैसे डोज कॉइन है और भी कई सारी क्रिप्टो करेंसीज वो एक टाइम पे होने वाली थी बैन, बट एज आई नो कि ये अभी बैन नहीं हुई, अभी भी लोग ट्रेडिंग करते हैं इस पे क्रिप्टो करेंसीज पे, और उस पे ज्यादातर फ्रॉड एक्टिविटीज होती हैं क्योंकि उनका सर्वर इतना वो नहीं, स्ट्रांग नहीं है। इतना अच्छा इनका सर्वर है सैम अल्टमैन का, चैट जीपीटी की जो वो है सीईओ है। तो हम यहाँ से खुद ही इमेजिन कर सकते हैं, लाइक अगर किसी को बिट वर्ल्ड कॉइन के बारे में ना पता हो, सैम एल्टमैन के बारे में भी ना पता हो, तो एज पर द सीईओ कि हाँ वो बंदे ने चैट जीपीटी का सीईओ है, तो उसने अगर बनाया है तो उसको ये पता होगा। अच्छा, चैट जीपीटी एलोन मस्क जी से भी कहीं ना कहीं कनेक्ट करता है, जहां तक मतलब मैंने थोड़ा सुना है इस बारे देखिए, में। हाँ करता है, क्योंकि एलॉन मस्क भी एआई पे काम कर रहे थे, बट उन्होंने ये कहा था एक इंटरव्यू में कि एआई को इतनी जल्दी लॉन्च नहीं करना चाहिए वरना बहुत ही मतलब कुछ डेंजरस चीजें होंगी, जैसे कि जॉब्स जाएंगी और भी बहुत सारी चीजें। तो उन्होंने अपना जो प्रोजेक्ट है, जो कंपनी है, वो रोक दी थी, बट सैम अल्टमैन है उनके राइवल थे, उनसे कोई लड़ाई हुई थी बीच में, तो उन्होंने ये चीज पहले ही मतलब कि लॉन्च कर दी। चैट जीपीटी के बाद उन्होंने वर्ल्ड कॉइन लॉन्च कर दिया, तो चैट जीपीटी से एआई का मतलब इंट्रोडक्शन हुआ और बहुत सारे यूजर्स आए, बहुत लोगों ने यूज किया। उसके बाद फिर उनके कॉम्पिटिटर्स तब आना स्टार्ट हुए,
एक दो साल बाद आपने सुना होगा गूगल ने बार्ट स्टार्ट किया, वो एआई का एक टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ने बिंग स्टार्ट किया, और जैसे एलॉन मस्क का बताऊं तो एक्स एआई करके उन्होंने अभी रिसेंटली ये लॉन्च किया है कंपनी, दिखाने के लिए कि उनके पास भी है सॉफ्टवेयर और आप उनका यूज करो। मतलब वो एज ए कॉम्पिटिशन अब आए हैं, लेकिन उनका ये विजन था कि ये चीज को लॉन्च नहीं करना जल्दी, बट जैसे कि स्वयं एल्टमैन ने जल्दी लॉन्च कर दिया तो उन्होंने भी वो सोचे कंपटीशन बढ़ गया तो मुझे भी आ जाना चाहिए मार्केट में, सो उन्होंने भी फिर लॉन्च कर दिया इस साल। तो मतलब ये जो चैट जीपीटी है ये प्रॉपर हाँ, एलोन मस्क का नहीं है। नहीं, चैट जीपीटी इलॉन मस्क का नहीं, सैम अल्टमैन का है, और एलॉन मस्क का जो अपना खुद का जो कंपनी है वो एक्स एआई करके है, उन्होंने लॉन्च की थी अभी कुछ दिन पहले, मैंने शॉर्ट भी शेयर किया था उसका। ओके दैट्स वेरी ग्रेट। जी मतलब कि ले दे करके, मतलब बात यहाँ पे होती है कि अगर एक नॉर्मल बंदा अगर यूज करना चाहता है वर्ल्ड कॉइन तो वो यूज कर सकता है, बट उसे काफी ज्यादा चीजों को, बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो ये कि अगर उसे पैसे क्लेम करने हैं तो एक पर्टिकुलर डे में, या तो वो एक अलार्म सेट कर ले कि भाई मुझे मंडे या फिर कोई और भी डे है हाँ, सो उस दिन राइट, उसे क्लेम करना है। सेकेंडली, बहुत ज्यादा ध्यान से सिक्योरली इन चीजों को यूज करे तो ज्यादा बेनिफिशियल होगा उनके लिए भी, उनकी पर्सनल सिक्योरिटी के लिए भी एंड नेशनल सिक्योरिटी के लिए भी। हाँ। और मैं ये सारे व्यूअर्स को भी कहना चाहता हूँ कि अगर आप वर्ल्ड कॉइन यूज करना चाहते हैं सबसे पहले इसके बारे में रिसर्च करिए कि आपका खुद का माइंडसेट है जो आप अगर यूज करना चाहते हैं नहीं, ये मतलब एक तरह से मॉरल कॉन्शियंस की कैटेगरी में आता है कि आपको लगता है कि हाँ ये सेफ है तो आप यूज करो, नहीं लगता है तो प्लीज मत करो, क्योंकि ये मेरा ओपिनियन है खुद का और सबका अलग अलग ओपिनियन होता है, और अगर आप यूज कर रहे हैं मेरे बताने पे तो फिर आप मुझे ब्लेम करेंगे कि ये सिक्योर नहीं है। सो ये आपका कॉल है कि आप यूज करना चाहते हो या नहीं, बट ये मेरे हिसाब से सिक्योर है। ओके सो थैंक यू तमीम फॉर ऑल दीज इंफॉर्मेशन। थैंक यू ऑल फॉर, थैंक आपने अपना प्रेशियस टाइम निकाल करके यहाँ पे टाइम दिया। सो आज का हम यू सेशन वेरी यहाँ मच। पे क्लोज करते हैं। सो हाँ हाँ फॉर बिल्कुल, मोर सच वीडियोस डू फॉलो माय चैनल बीटेक इनसाइड। ओके एंड हाँ तमीम, आप भी अपने चैनल को एक बार इंट्रोड्यूस कर दीजिए। हाँ प्लीज फॉलो आकांक्षा आर्या चैनल, जो बीटेक इनसाइड है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आप और अपना मेरा भी चैनल एक चैनल तो है, बताओ। जी, मेरा चैनल है ब्लॉग्स एंड टॉक्स करके, तमीम ब्लॉग्स एंड टॉक्स, उस पे मैं ब्लॉग्स के वीडियोस भी अपलोड करता हूँ और मूवीज से रिलेटेड भी कुछ इनसाइट शेयर करता हूँ, जो कि थोड़े से मतलब वो होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं किसी मूवी या सीरीज को समझने में। सो आप प्लीज चेकआउट कीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है आकांक्षा ने। और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू, थैंक यू सो मच फॉर सच थैंक यू सो वीडियोस। मच। स्टे ट्यून एंड स्टे अवेलेबल अहेड।